नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माइंड क्रिप्टो में। दोस्तों बहुत दिन हो गए आपके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ रीज़न है उसके भी। मैं थोड़ा गांव गया था, शादी वगैरह अटेंड कर रहा था, दैट्स वाई मैं वीडियो वगैरह नहीं टाइम टू टाइम डाल पा रहा था, बहुत बिजी था, अपना जो भी है टाइम इस पर नहीं दे पा रहा हूँ। तो अभी से मेरी जो वीडियो है टाइम टू टाइम आ जाएगी, उसके लिए दिल से सॉरी। और दोस्तों अभी मुझे टाइम मिला है तो आपके लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियो भी डालता रहूँगा और नए नए अपडेट भी देते रहूँगा। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा दोस्तों, हम एक न्यू एयर ड्रॉप लाए आपके लिए, तो उस एयर ड्रॉप में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको स्टेप टू स्टेप वीडियो को एंड तक देखना है, विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पूरा समझ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा माइनिंग एप्लीकेशन है, उसका नाम है ओलंपस नेटवर्क। तो हम इसमें अभी माइनिंग कैसे स्टार्ट करनी है, क्या प्रोसेस होगा, हम स्टेप टू स्टेप पूरा देख लेंगे। इनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर वो टाइम टू टाइम अपने अपडेट देते रहते हैं, और इनका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हम ट्विटर को फॉलो करेंगे तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इनके अपडेट वगैरह टाइम टू टाइम हमको मिलती रहेगी। तो इसमें अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, लिंक पे क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो इंटरफेस है इसका वो एकदम सिंपल है और यूज़र फ्रेंडली है। जो साइनअप का प्रोसेस है दोस्तों, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ आपको सिंपल बता देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साइन इन का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे साइन अप का बटन आपको नहीं दिखेगा, तो ये जो साइन इन का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉग इन करने को बोलेगा, बट हमको लॉग इन नहीं करना है, हमको अकाउंट बनाना है। तो ये जो नीचे साइन अप का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल का और जो भी इनविटेशन कोड वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, बट यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले ये जो ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे अपना जो भी अपना एक्टिव ईमेल होता है वो यहाँ पे देना है आपको, और जो भी इन्विटेशन कोड है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। इनविटेशन कोड एंटर करने के बाद दोस्तों ये जो नीचे आईडी नंबर है वो आईडी नंबर आपको कौन सा देना है, जो आपका आधार कार्ड का होता है। घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम कुछ सेफ होगा ये, बट आपको ये जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो हम हमारा जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे एंटर करते हैं। अपना आईडी नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों अपना जो नेम होगा, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। तो मैंने मेरा जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद दोस्तों नीचे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। बहुत सारे लोग मतलब अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करते हैं, जो अपना रेसिडेंशियल एड्रेस होता है वो यहाँ पे एंटर करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना ये मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों ये जो आपको दो ऑप्शन दिख रहे, आई एग्री का और जो प्रॉमिस का है, इस पे जो फर्स्ट वाला है इस पे आपको पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये आपसे साइन करने को बोलेगा, अपना जो भी सिग्नेचर होता है वो यहाँ पे करना है आपको। एक तरह से एक केवाईसी होता है, केवाईसी की तरह ही हमको ये सब करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, बट एकदम आसान है। आपको क्या क्या करना है मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, बट ये जो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर होता है, जो भी आपका रियल सिग्नेचर है, अगर रियल नहीं देना चाहते हो, जो सेकंड सिग्नेचर होता है किसी किसी लोगों का, बहुत सारे लोगों का होता है सेकंड सिग्नेचर, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो साइन इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सिग्नेचर एरिया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो सिग्नेचर पैड है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको सिग्नेचर कैसे करना है, जो भी आपका साइन होगा उसका जो भी पैटर्न होता है वो यहाँ पे उंगली को टच करके यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ थोड़े बहुत नकली साइन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपना उंगली रखने का, और ये जो साइन है वो आपको यहाँ पे अपना जो भी साइनिंग होता है यहाँ पे आप अपना जैसा भी होगा वो यहाँ पे अपना ड्रॉ कर सकते हो,
बट अपना ज़्यादातर रियल साइन करोगे तो बेहतर रहेगा, बाद में इसमें चेंज वगैरह करने का ऑप्शन नहीं आता है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसमें जो भी अपना रियल साइन होगा वही करोगे तो बेहतर रहेगा। और अपना जो भी सिग्नेचर है वो कंप्लीट होने के बाद ये जो कंप्लीट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सेव बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ देखना है अपना जो भी साइन किया था वहाँ पे वो यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब होने के बाद ये जो सेव बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो सेकेंड ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे साइन अप पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद दोस्तों आगे एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें हम पासवर्ड अपना क्रिएट नहीं कर सकते। ये लोग अपना पासवर्ड है वो यहाँ पे खुद देते हैं, वही पासवर्ड हमको किसी नोटपैड में या फिर किसी अपना नोटबुक में सेव करके रखना है। और जो भी पासवर्ड देंगे यहाँ पे जो कॉपी वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और कहीं पे जाके आपको सेव करके रखना है। ये पासवर्ड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सेव वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। और ये जो कुछ नोटिफिकेशन आएगा एक पॉपअप, आपको क्या करना है, ये जो गो चेक है इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इनके जो भी हैंडल है सोशल मीडिया के जो भी ग्रुप वगैरह है वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से सीधा बैक कर सकते हो। बैक करने के बाद ये जो नीचे दिख रहा है आपको सारा कुछ अपना एक सिंपल सा इंटरफेस है इसका, यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना हैश रेट वगैरह सब कुछ दिखेगा। और आपको अपनी माइनिंग वगैरह देखनी है और अपना जो भी टोकन है रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मी वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो पासवर्ड अगर सेव नहीं किया है, कॉपी नहीं किया है, तो आपको ये लास्ट चांस होगा इसमें आपको कॉपी करके सेव करने का। तो ये जो कॉपी पासवर्ड है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड हम कॉपी हो जाएगा हमारा और यहाँ पे हम इसको बैक कर देंगे। और ये जो चेक इन का बटन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ टोकन होते हैं जो 100 टोकन है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो यहाँ पे वॉलेट में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन है इसमें आपको KYC करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको आपके साथ, मतलब जो भी अपना डॉक्यूमेंट है सेल्फी के साथ यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है आपको कैसे अपलोड करना है और नीचे एक नोट भी दिया है। अगर आपने गलत कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल की इसमें, अगर डॉक्यूमेंट वगैरह फिल किया तो अपना अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें आप फिर से अकाउंट नहीं बना सकते उसी ID से या फिर उसी अपने ईमेल वगैरह जो भी अपना मोबाइल नंबर है उसी से आप नहीं बना सकते। और ये जो KYC का टाइम है 71 डेज़ का है, उतने टाइम में आपको ये कंप्लीट करना है। तो आप करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कर लो। अगर इसमें कुछ भी KYC के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। और नीचे आप जो इन्वाइट का ऑप्शन है इसमें आप अगर अपना जो हैश रेट है वो इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप एक इनवाइट करोगे तो आपको 10,000 का जो फ्री हैश रेट है वो मिलेगा यहाँ पे। मतलब जो भी आप यहाँ पे 100 टोकन डेली आपको मिलते थे वो आपको 200 टोकन हो जाएंगे, जितने रेफ़र करना चाहते हो उतने टोकन आपके 100 प्लस हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर लो और यहाँ पे अपने जो भी इनविटेशन की टीम वगैरह है वो यहाँ पे शो करेगा। और अपने इनवाइटीज ने जितने भी बार यहाँ पे क्लिक किया है, हर दिन यहाँ पे आके अपने को चेक इन करना पड़ता है और कितने टोटल यूज़र्स हैं और उनमें से कितने लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया है ये भी यहाँ पे शो करेगा। और ये जो नोटिस सेंटर वगैरह है यहाँ पे इनका जो नोटिफिकेशन होता है या फिर आपको कुछ वार्निंग वगैरह आती है इनकी तरफ से अपडेट का या फिर जो भी है यहाँ पे आपको शो करेगा। नीचे इनका टेलीग्राम का है, ट्विटर का है, सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो अपना बैलेंस है थोड़े टाइम बाद यहाँ पे फिर से शो करने लगेगा अपना, बस ध्यान देना है डेली यहाँ पे आके आपको एक बार चेक इन कर लेना है। अभी बिल्कुल नया नया एप्लीकेशन है, हम इसमें 1 साल तक या 6 महीने तक माइनिंग कर सकते हैं। इसका भी सप्लाई वाइट पेपर वगैरह कुछ नहीं आया है, जो भी प्राइस वगैरह होता है अभी तक कुछ भी रिलीज़ नहीं हुआ है। अगर कुछ भी आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा या फिर उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के पूरी तरह से डिटेल में आपको समझा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही था दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड बाय बाय, थैंक यू।